और टीवी 9 भारतवर्ष पर शुरू होने वाला है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सत्ता सम्मेलन, यानी कि देश के सबसे बड़े राज्य के सबसे बड़े नेता टीवी 9 भारतवर्ष के मंच पर आज दिन भर जुटने वाले हैं। तो क्यों ना बिना देर किए उसी मंच पर आपको लिए चलते हैं, और मेरे सहयोगी गौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, वेरी गुड मॉर्निंग। मंच तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन बताइए आज का सरप्राइज फैक्टर क्या है इस सत्ता सम्मेलन में, क्या कुछ देखेंगे, क्या कुछ सुनेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग पूर्णिमा, और आज की मॉर्निंग हमारी लखनऊ से हो रही है। और देखिए पूर्णिमा, कहा जाता है कि दिल्ली का की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, लेकिन लखनऊ की गद्दी का रास्ता क्या है? लखनऊ में गद्दी तक पहुंचने के लिए कौन कौन से पापड़ बेलने पड़ेंगे? लखनऊ में नेता नगरी में आखिर चल क्या रहा है? आज इसी को टटोलने 10 मार्च को क्या बीजेपी की सरकार वापस आएगी या कोई और उलटफेर होगा? आज इसी को समझने नेताओं के मन में क्या है, चुनाव आ चुका है और डोर टू डोर कैंपेन बहुत तेजी से चल रहा है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ वर्चुअल रैलियों के बीच, वर्चुअल तरीके से प्रचार के बीच सभी जनता तक जाने में जुटे हुए हैं, अपने पक्ष में उनके वोट लाने में जुटे हुए हैं, तो उन सब की रणनीतियां क्या है, आज इसी को टटोलने के लिए हम पहुंचे हुए हैं देश के सबसे बड़े सूबे की राजधानी लखनऊ में। मंच तैयार है बिल्कुल, हमारी टीम 24/7 काम कर रही है, आप देख सकती हैं यहां पर हमारी टीम लगातार हर उस कोशिश में जुटी हुई है कि एक भी बात, एक भी छोटी से छोटी बात उन तक पहुंचने में से रह ना जाए। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरा सहयोगी को कहूंगा जरा पैन करें हॉल। हमने यहां पर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी पूरा ख्याल रखा है, कोविड गाइडलाइंस का हमने कोशिश की है कि ज्यादा भीड़ ना हो, लोग थोड़ी दूरी पर बैठ सके, और यहाँ पर जो भी हमारा स्टाफ है फुली वैक्सीनेटेड है। हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि जब जरूरत ना हो तो तुरंत मास्क, जब जरूरत हमारे फेस खोलने की ना हो तो हम तुरंत मास्क लगाएं। कोशिश ये पूरी है कि जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है, कोशिश ये पूरी है कि जो यहाँ पर जरूरतें हैं उन सबको एक साथ लाया जाए। और देखिए, जब जिस मंच पर योगी आदित्यनाथ आ रहे हों, जिस मंच पर अखिलेश यादव से शुरुआत हो रही हो, तो आप उस कॉन्क्लेव की भव्यता समझ सकती हैं, आप समझ सकती हैं कि कितना भव्य होगा। आप अखिलेश यादव से हमारा ये कॉन्क्लेव शुरू होगा और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी से लेकर, ओपी राजभर से लेकर, स्वामी प्रसाद मौर्य, अपर्णा यादव, खुद योगी आदित्यनाथ, छोटी पार्टियां जो बड़ा खेल कर सकती हैं, यानी पूरा पावर पैक्ड पैनल है पूर्णिमा। हर वो न्यूज मेकर जो इस वक्त यूपी की पॉलिटिक्स में बहुत अहम हो चुका है, वो आज टीवी 9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन के मंच पर होगा, और वो जब अपने दिल की बात कह रहा होगा तब केवल और केवल टीवी 9 भारतवर्ष पर ही दर्शक ये समझ सकेंगे, ये जान सकेंगे कि 10 मार्च को क्या होने जा रहा है, इसको लेकर नेता क्या सोच रहे हैं पूर्णिमा। और इसीलिए टीवी 9 भारतवर्ष, क्योंकि तीसरी बार लखनऊ आया है, टीवी 9 भारतवर्ष क्योंकि तीसरी बार सत्ता सम्मेलन का ये मंच यहाँ पर लेकर आया है, और हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह हमने 2 बार लोगों को नेताओं के दिल तक पहुंचाया, हमने बताया कैसे सत्ता का संघर्ष कर रही इन पार्टियों के बीच क्या चल रहा है, उनके कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं, लखनऊ का आम जनमानस क्या समझता है, यहाँ का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो क्या सोच रहा है, वो सब हम कोशिश करते हैं। अलग अलग राज्यों में जाकर, हम पंजाब गए थे आपको याद होगा, हम उत्तर प्रदेश कई बार आ चुके हैं, हम उत्तराखंड गए थे, तो यहाँ पूरी कोशिश है पूर्णिमा कि हम लोगों तक बता सकें, लोगों को ये समझा सकें कि सत्ता पाने के लिए इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो जंग छिड़ी हुई है वो इस वक्त किस मोड़ पर आकर खड़ी हुई है। बिल्कुल, और जैसा कि आपने कहा गौरव, न्यूज मेकर्स आपने कहा है, यानी कि ये वो लोग हैं, ये वो बड़े चेहरे हैं जो उत्तर प्रदेश की सियासत में हमेशा सुर्खियों में देखने को मिलते हैं, लेकिन आज ये भी देखना होगा कि जब ये बड़े चेहरे इस मंच पर बैठेंगे तो वहां से कौन सी बड़ी खबरें निकल कर आती हैं, कौन कौन सी ब्रेकिंग न्यूज आज देखने को मिलेगी, इसीलिए इंतजार बेसब्री के साथ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका, ये मंच और वहां की तस्वीरें, वहां से एक एक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता कोरोना, कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।